मजबूत हसन भाई हमारे टेक्नोलॉजिस्ट, हसन भाई टेक्नोलॉजिस्ट, मजबूत भाई, हसन भाई कैसे हैं? पहले से ये तेरी बन रही, मेरी बन रही, कैमरा किस तरफ किया तूने? सर बिल्कुल ऊपर, बस ये और क्या है सर? इतना कोई तो सेम ही परेशान है मैं लगे किसी ने कैप पूरा तो नहीं। अच्छा जी, ये सर ये हमारी वो सेफ्टी कैबिनेट, वो सेक्शंस की मशीन है दो। ये आपकी सेफ्टी कैबिनेट है और उसके साथ आपने दो एम्प्लीफिकेशन किस पे रखी हुई है? ये दो है सुपर एक्सपेक्टी, ओके साथ बायो प्रोटेक्ट, ठीक है। और ये आईडी नाव पे लगा रहे हैं? ये आईडी नाव पे लगा है, ये छोटी सी मशीन आईडी नाव है, ये आपको 15 मिनट जरूर देगी। आईडी नाओ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आईडी नाओ एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें आप रैपिड पीसीआर परफॉर्म करते हो, 15 मिनट के अंदर आपको कोविड का रिजल्ट पता चल जाता है कि आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो। अगर आप पॉजिटिव हो तो इधर स्क्रीन के ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ आ जाता है, और अगर आप नेगेटिव हो तो स्क्रीन के ऊपर नेगेटिव लिखा हुआ आ जाता है। ये कलेक्शन पॉइंट, ये आपका एक कलेक्शन पॉइंट है। वाह, फ्लाइट की बड़ी ब्रांडिंग की हुई है। सैंपल दिए हुए ऑलमोस्ट मुझे 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं दोबारा से जाके देखता हूँ कि कितना टाइम रह गया है। 5 मिनट रह गए हैं, तो थोड़ा सा और वेट करते हैं और उसके बाद फिर अंदर जाएंगे। ठीक है, 5 मिनट 36 सेकेंड। ये जी नवी साहब है हमारे अल नसर लैब के, क्या हैं आप? मैं मैनेजमेंट का जवाब दूँ। तो फैसलाबाद एयरपोर्ट जब भी आपने आना है, इनसे मिलना है और अपना टेस्ट अल नसर से करवाना है, माई रिकमेंडेशन। थैंक यू। अच्छा जी, ये रिजल्ट आ गया है, इस पर लिखा हुआ है नेगेटिव, शुक्र अल्लाह। कोविड 19, ठीक है, निकाले अब आप। ये हमारे नियाजी साहब हैं जी। जी सर, मास्क हटाएं ना थोड़ा सा। ये फैसलाबाद स्टेशन के एयरपोर्ट मैनेजर हैं और अब तक के सबसे कोऑपरेटिव मैनेजर हैं हमारे, माशाल्लाह। पीसीआर टेस्ट चेक करें, अपलोड किया है कि नहीं किया, लेकिन चेक करना बहुत ज़रूरी है। अपना प्रोसेस पूरा करके दिखा रहा हूँ, वो तो और की बात है। टू एफ का बता दो, टू एफ ज़्यादा बेहतर अच्छी सीट होती है, टू एफ राइट, सबसे वी आई पी सीट टू एफ है, परफेक्ट। हमारे इकोनॉमी क्लास है, ओके। ये है सीक्वेंस मिसमैच, यहाँ पे हमें यहाँ पे आप लोग पकड़ते हैं, तो ये चेक आप लोग, ये बहुत बड़ा अजाब है, इसके बगैर डिपोर्ट है और फाइन है। मैं चेक इन के इस तरफ खड़ा हूँ, आपने हमेशा उस तरफ खड़ा होना है जिस तरह ये लोग खड़े हुए हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैं इस तरफ क्यों खड़ा हूँ। मैं एयरलाइन के साथ हूँ तो मैं सिर्फ खड़ा हो सकता हूँ, आपने हमेशा उस तरफ खड़े रहना। दुबई अराइव होने के बाद आपको फिर से एक और टेस्ट परफॉर्म करना होता है पीसीआर का। तो ये जो साइट पे मशीन्स आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका पीसीआर परफॉर्म हो जाता है। पीसीआर परफॉर्म करने के बाद आप अपना लगेज कलेक्ट कर सकते हो, इमिग्रेशन आपकी पीसीआर होने से पहले ही हो जाती है। एक शदीद मुश्किल से भरे सफ़र के बाद मैं पहुँच गया हूँ उधर दुबई, यहाँ पर पीसीआर की रिक्वायरमेंट है, दोनों पीसीआर करवा लिए हैं, अब हेडिंग टुवर्ड्स आउटसाइड। फाइनली हम दुबई पहुंच गए हैं और दुबई के अंदर अब एक बड़ी वेयर्ड चीज़ हमेशा हर दफ़ा होती है। मैंने इस्लामाबाद में अपने लिए गाड़ी पसंद की थी सोनाटा, तो मैंने सोचा था ये गाड़ी एक दिन ज़रूर लूँगा। यहाँ पर आया हूँ, टैक्सी में चला रहे हैं लोगों गाड़ी, अभी गाड़ी दिखाता हूँ, अफसोस हो रहा है, अब सोच रहा हूँ लूँ कि नहीं लूँ। दीपक भाई थैंक यू वेरी मच, मज़ा आ गया। ये सोनाटा है और बाय बाय सर, बाय बाय जी, बाय बाय जी, मज़ा आ गया इस गाड़ी के अंदर, अब जाके सोचना पड़ेगा कि लेनी है कि नहीं लेनी है।